आरसीबी ए के कप्तान हर्षल पटेल और आरसीबी बी की कमान देवदत्त पर्टिकल को दी गई, क्योंकि आईपीएल सीजन 14 का दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है और आरसीबी की टीम ने इंट्रा स्क्वाड मैच खेला। आईपीएल शुरू होने से पहले विराट की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम ने आपस में ही एक प्रैक्टिस मैच खेला। इस दौरान दो टीमें बनी और दोनों ही टीमों को पूरे तरीके से युवा खिलाड़ी चला। दरअसल आरसीबी ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए। टीम के लिए साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने सबसे ज्यादा 104 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 46 गेंदों का सामना किया और उनके बल्ले से 7 चौके और 10 छक्के निकले। इसके अलावा विस्फोटक बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 43 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। देवदत्त पाटिकल की टीम को 213 रनों का लक्ष्य मिला। पाटिकल की टीम ने इस लक्ष्य को आखिरी गेंद पर 3 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाकर हासिल कर लिया। पाटिकल की टीम की ओर से केएस भरत ने सबसे ज्यादा 95 का स्कोर बनाया। उनकी पारी में 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत 19 सितंबर को होगी। इस दौरान पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला आरसीबी और केकेआर के बीच खेला जाएगा। बड़ी बात यह है कि एबी डिविलियर्स ने एक बार फिर अपने ताबड़तोड़ अंदाज से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है। एक बार फिर वो बाकी आर टीम पर पूरे तरीके से भिड़ते हुए नजर आएंगे। एबी डिविलियर्स का यही अंदाज अब बाकी टीमों के लिए काफ़ी हद तक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर डिविलियर्स लैब रहे तो आरसीबी के लिए मैच पलटने का हुनर जानते हैं। एएनपी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।